नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पर। और आज हम लोग कम्युनिकेशन का अंतिम यानी लास्ट पार्ट देख रहे हैं, और इसमें हम लोग वैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो फ्लो चार्ट है उसको एक एक करके समझेंगे। अगर इससे पहले आपने अगर वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको समझ लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके खुद के लाइफ में, क्योंकि आज कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे किसी भी सक्सेस में, ठीक ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वैरियर्स क्या होता है। भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस होता है तो उस डिस्टरबेंस को क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। जो भी एक व्यक्ति क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस था जिसमें से इंफॉर्मेशन, आइडियाज या इमोशन शेयर किया जाता था, है ना। तो वो जो शेयर किया जा रहा है तो उस शेयरिंग में जो डिस्टरबेंस हो, जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ पे ये एग्जैक्टली यहाँ भेजना चाह रहे लेकिन एग्जैक्टली वो चीजें नहीं आ रही है, तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है उसमें, उसको उस इफेक्टिवनेस को, इफेक्ट को कम कर रही है, उसको नॉइज कहते थे। और वो एक्सटर्नल और इंटरनल होता था, बाहरी और अंदरूनी, है ना। उसी नॉइज को, जो नॉइज तो हो गया कि भाई जो डिस्टर्ब किया, लेकिन वो नॉइज कहाँ से क्रिएट हुआ, उन सभी चीजों को वैरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैरियर्स कहते हैं, अवरोध, है ना। तो नॉइज और वैरियर्स समझ लिए। तो अब हम वैरियर्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके। कि देखिए सबसे पहला जो है आपको साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, भाई मन की जो सोच है ना वो हमें किसी से कम्युनिकेट करने में हमें या तो पॉजिटिवली मोटिवेट करती है या तो निगेटिवली डीमोटिवेट भी करती है। क्यों, कौन कौन सी चीजें, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम किन चीजों पे बात करें, करें या ना करें, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे हमारा रेफरेंस किस चीजों पे बात कर रहे हैं, है ना। अतीत के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं, इस रेफरेंस से भी बात क्या होती है, अंतर करता है। अब जैसे मान लीजिए हम आज आए हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कोई सीनियर पुराना है तो उसको पुरानी बातें भी पता है, हम आज आए तो पुरानी बातें हो रही, हमें इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे दादा दाना चाचा चाची बात कर रहे हैं, अपने जमाने की बात कर रहे हैं, पता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस अगर पुराना होता है या अलग अलग होता है तो उसमें हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकअप हो जाता है, यानी वो अपने समय की बात कर रहे हैं, हम अपने समय की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, डिसइंटरेस्ट हो जाता है और बैरियर्स यानी कि अवरोधक हो जाता है। दूसरा, सेल्फ इमेज क्या है भाई साहब, ये आपका इमेज, आप अपने बारे में कैसा इमेज बनाते हो उसी को सेल्फ इमेज कहते हैं, ठीक ना। और अक्सर सेल्फ इमेज लोग दूसरों के सुनने पे बना लेते हैं, अगर किसी ने बोला कि तुम बड़ा अच्छा बोलते हो तो मान लेते हैं कि हाँ मैं बड़ा अच्छा बोलता हूँ, तो ये तो हो गया। लेकिन एक होता है खुद से क्रिएट कर लेना, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता, मुझे बोलने नहीं आता, तो इस तरीके का जो सेल्फ इमेज जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में। अगर सेल्फ इमेज अगर नेगेटिव है किसी की, चाहे वो चेहरे को लेकर के, ड्रेसअप को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, है ना, बैकग्राउंड को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, तो वो फिर कम्युनिकेशन में पीछे हट जाता है। वो फिर सामने वाले से समझता है कि नहीं नहीं मैं मेरे लायक नहीं, मेरे टाइप का नहीं, वो अपने आप से बचने लगता है। तो इसलिए इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका इमेज जो हो पॉजिटिव हो और आप अच्छे कम्युनिकेशन करो किसी से। दूसरा, स्टीरियोटाइपिंग हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था कि जनरलाइज कर लेना, किसी एक दो घटना को देख करके, अनुभव को देख करके, उस पूरे इवेंट को लेकर के एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना, परसेप्शन डेवलप करना ही स्टीरियोटाइपिंग है। मान लीजिए कि हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए हम पढ़ने आए और किसी प्रोफेसर से या टीचर से हमने बात किया और उन्होंने थोड़ा सा बात करते समय जो है अपनी लेवल ऑफ नॉलेज जो है दिखाई, और हम फिर ऐसा मान लीजिए सारे प्रोफेसर ऐसे ही बात करते हैं और हम फिर किसी प्रोफेसर से बात करने हेजिटेट करने लगते हैं, क्योंकि नहीं नहीं भाई ये प्रोफेसर है, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है स्टीरियोटाइपिंग है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है, आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेशन के जब मॉडल पढ़ रहे थे, कौन से मॉडल में ये बात कही गई थी, आपके इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, कि भाई देखिए आप जब बात कर रहे हैं, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनके अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि वो उतना ही गेन करेगा जिसके पास उसका उतना फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए हम कोई बात कर रहे हो और क्रिकेट का एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं और सामने वाला क्रिकेट जानता ही नहीं है तो वो कैसे समझेगा। हम उसको कहें कि देखो लेग ऑन में खेल दिया, अब लेग ऑन में उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज मैटर करता है कि क्या उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कॉमन है कि नहीं, ठीक कॉमन नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। कॉग्निटिव डिसोशन,
ना, डिसोनेंस का मतलब होता है कि भाई असहमति, हमारी अपनी जो समझ है उस समय में असहमत है, कोई किसी चीज को अच्छा मानता है, कोई किसी चीज को अच्छा नहीं मानता, उनके परसेप्शन अलग है। तो ऐसे में जब आप बात करोगे तो देखना, जैसे ही बात होगी ना टकरा जाएगी, दोनों में टकराहट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे खास करके पार्टी को लेकर होता है, अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है, जैसे ही देख लीजिए पार्टी, अलग अलग पार्टियां हैं, कौन अच्छा काम करे कौन अच्छा, थोड़ा सा बात हुआ कि फिर डिबेट में वो तब्दील हो जाता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है डिफेंसिवनेस और फियर। अगर जहां फियर का माहौल है, डिफेंसिवनेस का माहौल है, वहां भी कम्युनिकेशन अच्छे नहीं हो पाते। अगर मन में ये डर बना है कि पता नहीं क्या पूछ देंगे, क्या कब डांट देंगे, तो हम वहां खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सेलेक्टिव परसेप्शन। जहां परसेप्शन सेलेक्टिव हो जाता है कि नहीं हमको यही सुनना है, यही सोचना है, उसके अलावा हमको नहीं सुनना है, तो अगर उसके अलावा कोई बात हो रही होती है तो हम वहाँ डिसइंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं और वहाँ कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। और दूसरा है फिल्टरिंग, वही बात है कि हम फिल्टर करने की, हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं या क्या हम कहना चाहते हैं। तो इस तरह के जब हम रखते हैं चीजें, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर के रूप में आती है और ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करती है। तो ये तो हो गया साइकोलॉजिकल। अब हम लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर इसकी बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि भाषा और भाषा का जो एक और है वो है संस्कृति, इन दोनों में बहुत अगर डिफरेंसेस है ना, डिस्टेंस है, तो इसका भी बहुत कम्युनिकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे सिमांटिक, मतलब ही नहीं समझ पाता। सपोज कि अब चाइनीज आके बोलने लगे है ना, या साउथ इंडियन तमिल बोलने लगे, हम यहाँ पे हैं भोजपुरी बोल रहे हैं या मगही बोल रहे हैं, तो भाई हम मगही में बोलेंगे, वो तमिल में बोलेगा, तो हमको एक दूसरे के शब्द का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं बन पाएगा। कॉन्टेक्स्ट की बात, कल्चर की बात हो चुकी है कि हाई और लो कल्चर कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि जैसे देखिए वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि भाई वहाँ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, वहाँ सारी चीजों को नहीं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, किस रिलेशन में बात कर रहे हैं, बहुत सारा नहीं है ना। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, आप अपने जो भी चीजें खुल करके ओपन बोल देते हो, सीधा सीधा बोल देते हो। और लेकिन जैसे ईस्टर्न कल्चर में से इंडिया का भी देख सकते हो आप, चाइनीज या फिर आप जापानीज कल्चर में, वहाँ आपको सोचना होता है बड़े के साथ बात कर रहे हैं, कहाँ ओपन में बात कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में बात कर रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, गुरु से बात कर रहे हैं कि पिता से बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चर बैरियर। भाई देखिए कल्चर में भाषा अलग है या उनके बात करने की संस्कृति अलग है, तो यहाँ पे बैरियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ड्रेस को लेकर के डिफरेंस है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके खाने को वेजिटेरियन और नॉन वेज है। अब भाई कोई वेज अगर खाता है तो नॉन वेज को गलत मानना शुरू कर देता है, नॉन वेज वाले वेज को गलत मानना शुरू कर देते, तो उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाता है ना, वो एक दूसरे के प्रति अलग परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसमें खास करके सबसे ज्यादा जो है ना रहन सहन के, खान पान के जो चीजें हैं, बोलना, इन सब चीजों के डिफरेंस की वजह से बैरियर क्रिएट हो जाती है। अब मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब कि हम देखते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है ना, ट्रांसमिट किया जाता है, इसमें भेजने में जो दिक्कत होती है उसी को मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। और ये लैंग्वेज का साइज है, हम कितना ज्यादा बोल रहे हैं, लैंग्वेज कितना बड़ा है, अब पता चला हम बोल रहे हैं और सामने वाला जो सुन ही नहीं पा रहा है ना, ये इतना ज्यादा है कि सुन ही नहीं पाया, इनकम्प्लीट सुन पाया, या अपना परपेचुअल बायस, हम अपना पूर्वाग्रह रखे हुए हैं, हाँ, तो इस तरह से हम उस पूरी चीज को सुन नहीं पा रहे हैं। इन पर्सनल रिलेशन, आपका अपना पर्सनल रिलेशन क्या है सामने वाले से बात करने के लिए, अगर मान लीजिए किसी ने अच्छा रिलेशन है तो आप के शब्द बहुत मैटर नहीं करता, भावना वहां संभाल लेती है, लेकिन अगर आपका रिलेशन खराब है तो आप कितने भी अच्छे से हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना चीनी डाल के भी बोलो है ना, शरबत की तरह भी बोलो, तो उसको कड़वा ही लगता है। तो इस तरीके का रिलेशन भी मैटर करता है। और कल्चरल ड्रिफ्ट तो है ही कि भाई कल्चरल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस भी मैटर करता है कि अगर संस्कृति अलग है ना, तो हम उसका एक अलग ही इथनोसेंट्रिसिज्म आ जाता है कि हमारे कल्चर या उसके कल्चर में सुपीरियॉरिटी इंफीरियॉरिटी की बात आ जाती है, अगर है ना रिलीजन में देख लेते हैं तो हमारा वहाँ कम्युनिकेशन फिर उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ये एक बैरियर का काम करता है मैकेनिकल। अब है ऑर्गेनाइजेशनल। किसी एक संगठन के अंदर में भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो क्या करता है, बैरियर का काम करता है। जैसे साइज, अगर वहाँ बड़ा सख्त है, मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो सभी एक दूसरे से एम्प्लॉय कंपनी सभी बात मेंबर्स बात नहीं कर पाते हैं ना, बिकॉज साइज ज्यादा है। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है, मान लीजिए कोई यहाँ है कोई यहाँ है कोई यहाँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी से क्या हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। स्पेशलाइजेशन ये कैसे बैरियर क्रिएट करता है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर का है, कोई कंप्यूटर से संबंधित बात कर रहा है और कोई जो है नॉन कंप्यूटर नॉन टेक्निकल है, तो उसको अपने नॉन टेक्निकल वाले दोस्तों से बात करें, क्योंकि उसको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आएंगी,
टेक्निकल वाले अपने तरीके से बात करेंगे, अपने टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी होता है कि भाई किसी कल्चर, वहाँ का क्या कल्चर है, बड़े सीनियर जूनियर सीनियर जूनियर में कैसे बात करना है, मेल फीमेल एम्प्लॉय में कैसे बात करना है ना, बॉस का क्या वहाँ पे रोल है, उस तरीके से वहाँ उनका अपना जो कल्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी मैटर करता है, कब किससे कैसे बोलना है, किसी से अगर पूछना है तो क्या पूछना है, कौन किससे, अगर मान लीजिए कोई जानकारी चाहिए तो अपने सीनियर से जाएगा, उसके बाद वो अपने सीनियर से जाएगा, ये सारी चीज़ें बनाई रहती है हायरार्की का रोल। पावर स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, पावरफुल कि भाई सीनियर हैं वो सर हैं बॉस हैं उसके ऊपर हैं, तो उस तरीके से कम्युनिकेशन भी जो है वहाँ पे उसी के अनुसार जो है स्ट्रक्चर में हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके आधार पे जो है वहाँ का कम्युनिकेशन मैनेजर बनता है। फैसिलिटीज कि वहाँ फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है कम्युनिकेट करने के लिए, ऑनलाइन मोड में भी होता है कि ऑफलाइन मोड में ही होता है कि सामने ही आके बोलना होता है, ये सारी चीज़ें। लैक ऑफ कॉपरेशन कितना वहाँ साथ मिलता है, सब लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं बात करने में, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में मैटर करती है। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल वेरियंट की बात करें, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या है, तो कम्पीटिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब जो चेंज इन द इन्वायरमेंट, मान लीजिए कई आवाज आ रहे हैं, तो इसी में अब कई आवाज आ रहे हैं, उधर से वो बोला उधर से वो बोला, तो हम एक की बात सुन नहीं पाते और कम्युनिकेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इन्वायरमेंट स्ट्रेस, मान लीजिए इन्वायरमेंट में गर्मी है काफी और वहाँ पे धूप में कोई बिठा के हमें प्रोफेशन में बात सिखा रहा है, बोल रहा है, कितना भी अच्छा बोलेगा लेकिन आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा, लगेगा यार धूप है ना, उमस है, गर्मी है, ये भूख लगी है, ये सारी चीजें। सब्जेक्टिव स्ट्रेस अब अलग ही होता है, मान लीजिए कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसके बारे में बताया जा रहा है और उसको आप समझना समझाने की कोशिश की जा रही है, भले ही कितने प्यार से बोला जा रहा है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव स्ट्रेस हो गया। मीडियम अनफेमिलियरिटी, कितना भी प्यार से कोई बोल रहा है लेकिन वो जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, अनफेमिलियर हो आप उसके लिए तो आप उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक। तो ये सारे चीजें क्या है, अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने पढ़ा कि ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो इन चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन का जो बैरियर है यानी जो अवरोध है वो समाप्त हो सकता है। अब उसको कैसे कर सकते हैं उसी को हम लोग बस देखते हैं, क्या है, ओवरकम, हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स, इस बैरियर्स को यानी कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स हैं जो अलग अलग टाइप हम लोग ने पढ़ा उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखें, ठीक। चलिए सबसे पहले हम ओवरकम कैसे करेंगे, भाई साहब ओवरकम कैसे करेंगे, तो ओवरकम करने के लिए कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, क्या क्या, सबसे पहले रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई आप अपने इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करना सीखिए, रेगुलेट द इंफॉर्मेशन, कब कहां कितना इंफॉर्मेशन देना है ये मैटर करना है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं दे देना है, बहुत कम भी नहीं देना है कि ओवरलोड हो जाए इंफॉर्मेशन का, है ना, तो इस तरीके से हमको रेगुलेट करना है इंफॉर्मेशन, कहाँ कितना जरूरत है उसी के अनुसार देना है, यानी कि हम उसके बारे में एक्सपर्ट हैं तो खूब बताया जा रहा है, खूब बताया जा रहा है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट अगर हम दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, फीडबैक लें, फीडबैक, क्योंकि फीडबैक ही हमें बताएगा कि जो सामने वाला है वो समझ रहा है, इंटरेस्टेड है, नहीं समझ रहा है, क्या उसका मोटिव है। नेक्स्ट है यूज सिंपल लैंग्वेज, हम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, खास करके ऐसा लैंग्वेज जिसमें सामने वाला भी कंफर्टेबल हो, आसानी से सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट हम जब भी बात करें तो हमें कंसीडर द रेसिपिएंट, कंसीडर द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट नॉलेज लेवल, हम भाई उसके नॉलेज, उसके उसके लेवल को, उसको समझते हुए ही हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, स्टाइल का इस्तेमाल करें कि सामने वाला किस लेवल तक समझ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, लिसन केयरफुली, ये एक इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली, क्यों, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बोलना ही कम्युनिकेशन है, बस सिर्फ बोलना ही है, जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना कस के बोलेंगे, तेज बोलेंगे, वही हमारा कम्युनिकेशन, नहीं, आप जितना सुनेंगे उतना बेहतर, उस सुनने के अनुसार आप उतना उस हिसाब से बोल पाएंगे, तो इसलिए लिसन केयरफुली, एक अच्छा स्पीकर वही बनता है जो एक अच्छा लिसनर होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंट्रोल योर इमोशन, इमोशंस को कंट्रोल करना, पता चला कि इमोशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है ना, गुस्सा प्यार, जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए, जहाँ प्यार दिखाना चाहिए वो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक। तो गुस्सा है, इमोशंस है, उन चीजों को आपको कंट्रोल करना है, आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, ना ज्यादा प्यार हो जाए ना ज्यादा गुस्सा हो जाए आपके कम्युनिकेशन में, ठीक है ना, आपको जैसा इमोशन चाहिए वो मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाई ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है भाई साहब? हमने आपको पढ़ाते समय बताया ही था कि वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका 55% लगभग जो है इसी का मैटर करता है, आपका फिर वोकल है 38% एंड फिर 7% आपका वर्बल यानी शब्द का मैटर है ना, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो भाई आपको सामने वाले का और अपने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो बॉडी मूवमेंट है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है, वो ऐसा निगेटिव तो नहीं है ना, उससे कैसा हमारा टोन कैसा है ना, सामने वाले का भी फीडबैक हमको नॉन वर्बल मिल जा रहा होता है कि वो इंटरेस्टेड है, उसका चेहरा कैसा है, फेसियल एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके अनुसार हम अपना कम्युनिकेशन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट है जो टर्म है इमोटिकॉन्स, ये एक नया टर्म है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए इमोटिकॉन्स जो है, ये इमोटी आइकन इसको कह सकते हैं, इमोट आइकन यानी इमोशन, इमोशन और आइकन से मिलकर ये शब्द बना है और लगभग ये 80 के दशक में है ना, 1982 के आसपास जो है, ये स्कॉटिश कोई एक थे फलमैन करके, स्कॉटिश फलमैन करके, इसने ये टर्म क्वाइन किया और कहा कि इसका इस्तेमाल करके हम इमोशन, क्योंकि इमोशन को रिप्रेजेंट करने वाला आइकन को जैसे फ्रोनी फेस, स्माइली फेस, ये सब जो बनाया गया ना उसी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये उससे भी हम क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं है ना, सेंड करते हैं। और आजकल मोबाइल व्हाट्सएप पे आप देख रहे हैं कि ये सब बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है ये। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि आप अपने जो इमोशंस है उसको शेयर कर सके इजीली विदाउट लिखे हुए, है ना। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कोई पूछा रिटेनली कैसे हो और कोई लिख दे गुड या फाइन लिख दे, अब फाइन एक बहुत खुश भी है तब भी फाइन लिख रहा है ना, हालांकि ऐसे एक टर्म है कि फाइन वेरी फाइन ऐसे लिख सकते हैं शब्द के माध्यम से, लेकिन एक जो है इमोजी बना दिया गया, ऐसे इमोजी थोड़ा अलग होता है। अब एक ऐसे है, एक और ज्यादा हंसते हुए देखो ऐसे निकालते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा हंस रहा है ना। तो इस तरीके से अलग अलग जो एक्सप्रेशन बनाए गए, आइकन बनाए गए, उसे इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है। हालांकि थोड़ा इमोजी जो आजकल यूज होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है, इमोजी जो है आजकल जो अलग अलग है ना, वो तो अब नए नए आ गए, या अब लेटेस्ट है ये वाला, लेकिन जो पुराना था वो उसको इमोटिकॉन्स बोलते हैं। अब इससे भी आगे डेवलप होकर इमोजी आ गया, हर लगभग हर एक अलग अलग एक्सप्रेशन का एक अलग ही पिक्चर बना दिया गया है ना, फेस बना दिया गया है, इसी को क्या बोलते हैं इमोटिकॉन, हाँ सॉरी इमोजी बोलते हैं, ठीक। तो ये हम लोग समझ गए, ये यूसेज कहाँ कर सकते हैं, सीधी सी बात है कि इसका यूज हम लोग अलग अलग कंडीशन में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और लास्ट में जो स्टडी है इसमें दिखाया गया कि वीमेन ज्यादा इस्तेमाल करती है, क्या आप इस बात से सहमत हो? क्योंकि यह स्टडी कहा है कि विमेन जो है इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल ज्यादा करती है। और आजकल तो भाई कहा जाता है कि पहले जो है स्टेटस जो आ गया ना व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरी, ये सारी चीजें आज उस इमोटिकॉन्स के जरिए है ना, सबके अपने अपने स्टेटस और एक्सप्रेशन और इमोशन एक्सप्रेस होते रहते हैं। और कहा जाता है कि भाई जो भी चीज है स्टेटस के जरिए लोग एक्सप्रेस करते रहते हैं उसमें इमोटिकॉन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब स्टडी ने ऐसा बताया कि विमेन ज्यादा इसका इस्तेमाल करती है, आप इस बात से सहमत हो कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने देखा स्पीच एक्ट एंड पॉलिटिक्स, हाँ एक और जो है इमोटिकॉन के बाद एक और जो है स्पीच एक्ट और पोलाइटनेस थ्योरी, ये क्या कहता है? चलिए तो इसको खत्म कर दें और ये लास्ट टॉपिक है इस चीज का और कम्युनिकेशन का ही लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट क्लास है आज। लास्ट क्या है? स्पीच एक्ट और पोलाइटनेस थ्योरी, ये क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब कि स्पीच सिर्फ बोलना नहीं है, शब्दों को सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि एक एक्ट है, एक काम है, एक कार्य है ये, है ना। और इसमें दो पार्ट, एक तो अटरेंस है हमारा, अटरेंस का मतलब जो हमारा कथन है, जो हम बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो नॉन वर्बल हमारा एक्सप्रेशन है, टोन है, इन सब चीजों से हम वो चीज कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो हम कह रहे हैं ना वो सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि एक प्रकार से करना हो रहा है, जैसे खास करके हम मोटिवेट करते हैं, परसुएट करते हैं किसी को, जैसे कहते हैं कि आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग को ये काम करना चाहिए, तो अगर हम ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से तो कहीं ना कहीं आपको हम पढ़ने में क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये करना हुआ,
ये कहीं ना कहीं एक्ट है, ठीक, ये चीज हम देखेंगे। और इसमें पोलाइटनेस का थ्योरी ये कहता है कि जितना ज्यादा पोलाइटनेस रखते हो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। आप पोलाइटनेस से सामने वाले साथ, वो अगर वो नहीं भी चाह रहा था लेकिन आप वो काम करवा लेते हो, है ना। जैसे आप महेंद्र सिंह मूवी धोनी देखे होंगे, वहां का एक सीन है कि जब धोनी बैठा होता है बेचारा मुंह लटका के उस मूवी में, है ना, एरोप्लेन के विंडो साइड, और उसमें जो एक्ट्रेस आती है और सचिन पाजी को देखने के बाद कहते हो, सचिन पाजी कैन यू गेट मी प्लीज हिज सिग्नेचर, तो बोलता है सॉरी, लेकिन क्या प्लीज प्लीज प्लीज, वो देखा प्लीज 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 करके वो नहीं भी चाह रहा था लेकिन उससे साइन करवा लेता है ना। तो ये होती है पोलाइटनेस में ताकत, है ना। अगर वो करवाते हो कि नहीं नहीं करवा तो नहीं हो पाता, लेकिन प्लीज 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 यानी पोलाइटनेस इतना दिखाते कि ना चाहते हुए बंदे ने काम कर दिया। तो ये चीज थी पोलाइटनेस की, ये पोलाइटनेस थ्योरी कहता है कि आप स्पीच में जितना ज्यादा से ज्यादा पोलाइटनेस यूज करोगे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ कहना नहीं है, अगर वो सिर्फ कह देते कि प्लीज साइन करा दो, वो सिर्फ कहना हो गया, लेकिन कहने के साथ साथ जो आप पोलाइटनेस जितना ज्यादा इंक्लूड करोगे वो कहना आपके करने में बदल जाएगा, उसने कह करके अपना काम करवा लिया, है ना। तो ये चीज ही बस थी। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखा जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल करके एक बेहतर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, बने रहिए बीएचयू वाले पर। धन्यवाद।